मुंबई ग्लोबल एंड गुना टाइम्स न्यूज़पेपर के द्वारा अंधेरी वेस्ट के मशहूर नटराज हॉल में आप सभी की दुआ से दो हिंदी फीचर फिल्म का पोस्टर लॉन्च हुआ। एक फिल्म का नाम है इस गुना है और दूसरा ही मैं हूँ ऑटो वाला। एक फिल्म रोमांटिक सस्पेंस और दूसरी फिल्म यूपी बिहार से जो आते हैं मुंबई में ऑटो चलाकर जिंदगी निकालते हैं, उसके बाद उनकी जिंदगी में क्या क्या होता है उसके ऊपर पूरी फिल्म है। इस फिल्म के डायरेक्टर है अजहर हुसैन। फिल्म में म्यूजिक दे रहा है दामोदर रावण शांतनु गुप्ता। कैमरामैन है कुंदन रोशन। डांस मास्टर बिट्टू सिंह। पीआरओ हिमांशु झुंझुनवाला और संजय भूषण पटियाला। प्रोड्यूसर है संकरी जाना, आरती बाबुलकर, डॉक्टर प्रणव काबरा सर। को प्रोड्यूसर है मोहम्मद कमरुद्दीन खान। मैं हूँ ऑटो वाला। इस फिल्म के अंदर लीड रोल में है कल्याण जी जाना और अंकिता बाबुलकर। दूसरी फिल्म में लीड रोल में है कल्याण जी जाना और प्रिया तिवारी, कुसुम सिंह। और साथ में स्पेशल थैंक यू बोलना चाहता हूँ मुंबई ग्लोबल के संपादक राजकुमार तिवारी, समाज सेवक प्रोड्यूसर अजय सर को, जिन्होंने अपने हाथों से इन दोनों फिल्म के रिबन काटकर पोस्टर लॉन्च किया। और हमारे बीच मौजूद थे बहुत सारे मान्यवर जैसे कि मशहूर एक्टर रमेश गोयल और बीरबल सर, ब्राइट आउट अडोर मीडिया पार्टनर के मालिक योगेश लखानी साहब, समाज सेवक नेता प्रोड्यूसर राजू सिंह साहब, समाज सेवक गिरीश यादव, बहुत सारे मीडिया के ग्रुप एक्टर गुफी, सिंगर नम्रिता दास, म्यूजिक डायरेक्टर दामोदर रावण शांतनु गुप्ता, डायरेक्टर अशफाक शेख, एक्टर मनोहर लाल, जैके सर, लियो मीडिया के चेयरमैन केवल कुमार, डायरेक्टर रामा मेहरा सर, एक्टर सद्दाम हलवाई, एक्टर आमिर अली और मैं हूँ आप सभी से गरीबों का एक्टर कल्याण जी जाना। और इस दोनों फिल्म में स्टोरी दिया है कल्याण जी जाना ने। आप सभी को एक बात कहने में बहुत अच्छा लग रहा है, इस फिल्म के शूटिंग बहुत जल्द होने जा रहा है मुंबई में। आप सभी की दुआ, आप सभी के आशीर्वाद चाहिए। अच्छी है और मतलब जिसको जो मजबूरी से वहाँ पे काम कर रही है और उसको एक ऑटो वाला लेने जाता है, छोड़ने जाता है, तो तभी उनकी मतलब प्रेम कहानी शुरू होती है। इस मूवी में मेरा ये रोल है कि मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि हर बार वाली जो गलत नहीं होती है तो कोई अच्छी भी होती है जो मजबूरी से वहाँ पे काम करती है। मैंने एक मूवी की है जो है ड्रीम सिटी मुंबई, जो अभी रिलीज में है, और एक मेरी शूटिंग अभी चालू है जिस मूवी की, उसका नाम है मसूरी टू मुंबई, हिंदी मूवी है, उसकी शूटिंग चालू है। अभी ये दो प्रोजेक्ट जो अभी शुरू होने वाले हैं नेक्स्ट मंथ से, 5 जून से स्टार्ट होने वाले हैं, तो अभी ये प्रोजेक्ट मेरे चालू है फिलहाल। ये बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। कल्याण जी तो मेरे फैंसी भी है और मेरे कैरेक्टर भी हैं, उनको तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। कहते हैं कि एक आदमी के सक्सेस के पीछे एक लड़की का हाथ होता है, एक औरत का हाथ होता है, बट यहाँ पे थोड़ा उल्टा है। मेरे सक्सेस के पीछे डेफिनेटली कल्याण जी सर का ही हाथ है। आज मैं यहाँ पे हूँ, आज मैं इस मीडिया के बीच में हूँ, इन लोगों के बीच में हूँ, एक सेलिब्रिटी बन के घूम रही हूँ और आगे भी बड़ी सेलिब्रिटी बनूंगी इंशाल्लाह। तो ये उसी पुनी की वजह से है, तो थैंक यू कल्याण जी सर। सो वो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि ये मूवी अच्छी बनी है, तो आप प्लीज जाइए इसको देखिए, बस थैंक यू। मैं लीड नहीं कर रही हूँ किरदार, जो पूरा डिटेल नहीं पता है इसलिए मैं ज़्यादा बोल नहीं सकती। थैंक यू मेट्रो मुंबई एंड थैंक यू केवल सर, मेरी जान, मेरे गुरुजी, मेरे बड़े भाई केवल सर को सैल्यूट करता हूँ, जो मेरे हर वक्त मेरे प्रोग्राम में, मेरे यूट्यूब पर, मेरे गूगल पर वो मेरे लिए काम करता है। आई लव यू सर। बिना पैसा देता हूँ मैं, गरीब आदमी दे नहीं पाता पैसा, लेकिन वो मेरे लिए काम करता है। एंड थैंक यू मेट्रो मुंबई, जो हमारे मेट्रो मुंबई नंबर वन चैनल है आज मुंबई के, मेट्रो मुंबई। एंड थैंक यू हमारे कैमरा दादा जो कैमरा लेके वहाँ पे खड़े हैं। एंड थैंक यू सर, थैंक यू आप लोग आए। मेरी फिल्म का नाम है, एक है मैं हूँ ऑटो वाला और एक है इश्क गुनाह है। ये दो फिल्म आज का मैंने मुहूर्त किया मुंबई में नटराज हॉल के अंदर। थैंक यू फॉर मीडिया, ऑल मीडिया, थैंक यू ऑल मेरे चीफ गेस्ट, मेरे को एक्टर जैसा अजहर हुसैन है मेरे, और उसके बाद ये मेरी हीरोइन है अंकिता, मेरी जिंदगी का भी है हीरोइन, और जितनी भी तमाम यहाँ पे ऑडियंस आया सभी का मैं सैल्यूट करता हूँ। और ये बहुत जल्द शूटिंग होने जा रहा है नेक्स्ट मंथ से। आप सभी के आशीर्वाद, आप सभी की दुआ, आप सभी के प्यार, डैडी मम्मी का प्यार, आप सभी की मोहब्बत, बस कुछ नहीं, बस आप लोग प्यार दीजिए। एक गरीब आदमी हूँ, बस गरीब आदमी का प्यार दीजिए। अभी मेरी आने वाली जो फिल्में हैं उसके साथ साथ बैक टू बैक ये फिल्म भी आ रही है,
फिल्म के अंदर में जो लीड कैरेक्टर निभा रही है हमारे साथ है हमारी हीरोइन, और एक दूसरी फिल्म है उसके लिए रोल निभा रही है जो लीड कर, उसका नाम प्रिया नाम है, हमारे बीच में भी नहीं है। और ये फिल्म अभी बन के बहुत जल्दी रिलीज होगा, आपके सामने आएगा। और फिल्म के अंदर में दो चीज़ें हैं, एक फिल्म है इश्क गुनाह है, एक फिल्म है मैं हूँ ऑटो वाला। ये दोनों फिल्म मुंबई बेस्ड है, तो मुंबई के रहने वाले लोगों को देखने में मज़ा आएगा, क्योंकि मुंबई के बेस में फिल्म बन तो रही है, पर इसमें जो कैरेक्टर निभा रहा है वो मुंबई का रहने वाला बिल्कुल नहीं है, वो रहने वाला यूपी नॉर्थ इंडिया का रहने वाला है। तो हिंदुस्तान को पूरा कवर करने के लिए स्टोरी पूरा चटर बटर लोगों को बहुत ही इंटरटेन करने वाला है। दोस्तों, आज मेरे अजीज दोस्त कल्याण जी जाना की फिल्मों की दो फिल्मों के मुहूर्त है, और आज से रमज़ान भी शुरू हुआ है, तो मैं सभी दोस्तों को रमज़ान मुबारक कहता हूँ। और मेरे अजीज दोस्त हैं पिछले 20 साल पुराने हैं, तो हम लोगों ने साथ साथ अपना करियर शुरू किया था, तो आज वो फिल्मों पर फिल्में बनाते जा रहे हैं, और उनकी दुआओं से और आप सबकी दुआओं से मैं भी डायरेक्टर हूँ, मेरी भी 3 फिल्में आ रही हैं, और मैं भी इनकी हर फिल्म में एक्टिंग करता हूँ। अभी पिक्चर इनकी डायरेक्ट नहीं की मैंने, लेकिन आने वाले फ्यूचर में इनके बैनर की पिक्चर में डायरेक्ट भी करूँगा मैं, अभी फिलहाल तो इनकी फिल्मों में एक्टिंग करता हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट। दिस इज नम्रता दास, आई एम अ सिंगर, और आज मैं यहाँ पे आई हूँ उनके लॉन्च पोस्टर लॉन्च गेट टुगेदर में, एंड आई एम रियली हैप्पी अबाउट दिस। और मैं उनको बहुत ज़्यादा विशेष देना चाहती हूँ कि इतना अच्छा वो दूसरों के लिए भी सोचते हैं एंड चांस देते रहते हैं लोगों को, कल्याण जी आनंद जी, तो बस उनका ये फिल्म सुपर डुपर हिट हो जाए आप लोगों के आशीर्वाद से, और आई एम वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस मूवी। थैंक यू सो मच। वेरी डाउन टू अर्थ, मुझे ऐसा लगता है मेरी बेस्ट विशेष है ये फिल्म के लिए, उनको मेरी बेस्ट विशेष है, और बहुत अच्छी अदाकारा है, और इस फिल्म में अगर कुछ लगता है, कुछ उनका हेल्प लगता है, या मैं चाहता हूँ कि ये फिल्म कंप्लीट हो और रिलीज हो, और ऑल द बेस्ट फॉर दिस फिल्म। कल्याण जी मेरे पुराने मित्र हैं और मीडिया से जुड़े हुए हैं, और मैं भी मीडिया से हूँ, मेरा भी न्यूज़पेपर निकलता है मुंबई ग्लोबल, जिसका मैं ग्रुप एडिटर हूँ, और मैं 3 साल से मुंबई ग्लोबल अचीवर्स अवार्ड भी कर रहा हूँ। मैं इनको शुभकामनाएं देने आया हूँ तहे दिल से, क्योंकि बहुत अच्छे एक्टर भी हैं, दोस्त भी हैं, और अभी तो प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ये सब मैं शुभकामनाएं देने के लिए आया हूँ। कि मैं तो कहता हूँ इस इंसान की हिम्मत की मैं दाद देता हूँ, इतनी ये मेहनत कर रहा है, मालिक एक दिन इसको ज़रूर कामयाब करेगा, और जो मेहनत करते हैं उसका फल उसको ज़रूर मिलता है। I wish him all the best for the both the films. कामयाबी बख्शी हम उस तरह सभी कलाकारों को कामयाबी बख्शी, ताकि हर कोई हंसी खुशी अपना जीवन करे। तो ये इनर पर्सन इज कैसे जुड़े हैं आप? इसमें अभी बात चल रही है मेन विलन के लिए, अगर उन्होंने चाहा तो दोबारा से सर अपने जन्म कल्याण जी के बारे में कि व्यक्ति कल्याण जी को सबसे पहले मैं बधाई देता हूँ, बधाई की बात है, क्योंकि फिल्म बनाना आजकल के युग में इतना आसान नहीं है, और जो सब्जेक्ट है मुझे पूछिए, क्योंकि आजकल कॉमेडी जो है वो हर बच्चा क्या बड़ा क्या बूढ़ा क्या सब लाइक करते हैं, गरीब अमीर सब अच्छा, लेकिन जो सब्जेक्ट जो है उसके अंदर मैं चाहता हूँ कि निचोड़ जो है ना उससे एक मैसेज मिले, क्योंकि हमारी फिल्में जो है हमको बिगाड़ भी सकती है, सिखा भी सकती है। तो मैं यही उम्मीद रखता हूँ कि जो ये फिल्म बन रही है इश्क है, इश्क गुना है, उसमें शायद जो इश्क करते हैं शायद समझ जाए कि गुना है तो ना ही करते। कल्याण जी भाई के बारे में जितना बोलूँ उतना कम, जब से ये प्रोड्यूसर बने तब से मैं काम कर रहा हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि हर एक्टर ही चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में बने, कंप्लीट हों, रिलीज हों, क्योंकि एक्टरों की स्थिति यही है, अगर फिल्म बनेंगी चलेंगी तो एक्टर बिजी होंगे। मुंबई में आए थे ये कुछ नहीं थे, ये है बोल इसके बन के एक अच्छी पोजिशन है, काफ़ी लोगों को देख लिया है, काफ़ी फंक्शन था, कोई जनरेशन हमारी कॉम के ऑल द बेस्ट। थैंक यू।